नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं आरती, और आज के एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की कुछ चटपटी खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो चलिए ज्यादा इंतजार न करते हुए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। यूके म्यूजिक जंक्शन से नया गीत सिल्की मेरी छाट रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद से ही यह गीत दर्शकों के बीच खूब धमाल मचा रहा है। इस गीत में उत्तराखंड के रॉक स्टार गायक अनिल रतूड़ी, संजय भंडारी, दीवान सिंह पंवार और सौरभ मेठानी ने अपनी आवाज दी है, जिसमें रैप का तड़का राज टाइगर ने लगाया। और इसके लिरिक्स के साथ साथ कंपोजिंग वर्क अनिल रतूड़ी ने किया है, जिसे संगीत दीवान सिंह पंवार द्वारा दिया गया है। वीडियो में उत्तराखंड के सुपरस्टार कास्ट को एक साथ एक फ्रेम में दर्शाया गया है, जिसमें अंकित रावत, ओम तरुणी, अजय सोलंकी और निशांत उप्रेती के साथ नताशा शाह लीड रोल में नजर आ रही हैं। इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए जो कि काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें सभी लड़के नताशा को पाना चाहते हैं और उसे अपने अपने तरीके से इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी में अजय सोलंकी की एंट्री एक ट्विस्ट लेके आती है, और क्या कुछ ये ट्विस्ट रहता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना होगा। आपको बता दें, वीडियो में मौजूद सभी कलाकारों का उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बोलबाला है ही, लेकिन सोशल मीडिया में भी इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दर्शक इनके अभिनय को देखना काफी पसंद करते हैं, और अब इनके इस गीत को भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस गीत का फिल्मांकन एवं संपादन नागेंद्र प्रसाद ने किया है, निर्देशन का कार्यभार राज टाइगर द्वारा किया गया है। यूके म्यूजिक जंक्शन के निर्माता संदीप रतूड़ी इस बार अपनी धमाकेदार प्रस्तुति लेके आए हैं, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। हिमाद्री फिल्म्स के बैनर तले नया गीत बजानी धुरा रिलीज हुआ। इस गीत में उत्तराखंडी गायिका अलका पांडे ने अपनी आवाज़ दी है, जिसके लिरिक्स जगदीश चंद्रा ने लिखे हैं। इसमें संगीत देने के साथ साथ बतौर रिकॉर्डिस्ट की भूमिका चंदन ने निभाई। इस गीत को प्रमोशनल वीडियो फॉरेंट में जारी किया गया है, जिसमें अलका अपने गीत का आनंद लेती हुई नजर आ रही हैं। गीत में अलका अपनी माँ और गांव से जुड़ी कुछ यादों को याद करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में अलका की गायकी और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों ने दर्शकों का समा बांधा। आपको बता दें, अलका इससे पहले भी कई उत्तराखंडी गीतों को अपनी आवाज़ से सजा चुकी हैं। दर्शक उनकी गायकी को काफ़ी पसंद करते हैं, और अब उनके इस गीत को भी दर्शक लगातार जबरदस्त प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। इस गीत का फिल्मांकन विभा बिश ने किया है, संपादन का कार्यभार प्रदीप चमोली द्वारा संभाला गया है। कुल मिलाकर वीडियो काफी खूबसूरत है, और दर्शक लगातार गीत संगीत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उभरते हुए गायक सावन भट्ट की आवाज में नया गीत मेरी एक्स क्रिसी गेट रिलीज हुआ। इस गीत को गाने के साथ साथ इसके बेहतरीन लिरिक्स भी सावन भट्ट ने लिखे हैं, जिसमें रैप का तड़का उस्ताद नेगी ने लगाया और संगीत हिमांशु रावत और आशुतोष मेहरा द्वारा दिया गया है। इस गीत को नमस्ते फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया गया, जिसमें हर्षु बिष्ट और अंबिका रावत की जोड़ी लीड रोल में दिखी, और इन्हीं के साथ मानसी ढोंडियाल और रोहन बिष्ट सह कलाकार की भूमिका में नजर आए। गीत के कॉन्सेप्ट का अंदाजा तो आप थोड़ा बहुत इसके नाम से ही लगा चुके होंगे। जी हाँ, इस गीत में प्रेमी अपने नए प्यार के साथ मिलकर अपने एक्स को किलसाते हुए उसे उसकी गलती का एहसास कराता है, और इस पर उसकी एक्स का क्या कुछ रिएक्शन रहता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना होगा। आपको बता दें, इस गीत का फिल्मांकन एवं संपादन हिली वेब स्टूडियो द्वारा किया गया है, निर्देशन का कार्यभार अभिषेक गुसाई और जीत चंद्रयाल ने संभाला। नमस्ते फिल्म के निर्माता हर बार अपने दर्शकों के लिए नई रचनाएं लेके आते हैं, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है, और अब उनकी इस गीत को भी दर्शक लगातार जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं। पहाड़ों की कठिन ऊंचाई और अविकसित इलाकों से लोग लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और उसी समाज में ढलते चले जा रहे हैं। इसी सच्चाई को बारडोली फिल्म से आए नए गीत गांव मने आंदू में दर्शाया गया है। इस गीत को राजेश राज और शिवानी नेगी ने अपनी आवाज दी है, जिसे संगीत राजीव गुसाई द्वारा दिया गया है। इस गीत को प्रमोशन वीडियो फॉरेंट में जारी किया गया है, जिसमें दोनों ही गायक जो हैं अपनी गायकी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यह गीत पति पत्नी के बीच हो रही बातचीत पर आधारित है, जिसमें पति पत्नी से गांव चलने की बात कहता है, लेकिन पत्नी उसे साफ इनकार करती हुई नजर आई। शहर के चकाचौंध के बीच हम कहीं ना कहीं पहाड़ों के रास्तों को कहीं भूलते चले जा रहे हैं। हम शहर के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, लेकिन एक उत्तराखंडी होने के नाते हमें अपने पहाड़ और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, और इसी मैसेज को इस गीत के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसका फिल्मांकन एवं संपादन राहुल कठहर द्वारा किया गया है। गिंजाली फिल्म्स के बैनर तले नया गीत याद औणी तेरी रिलीज हुआ। इस गीत में पुरुषोत्तम जेठुड़ी और दिया उनियाल
दंपति की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह गीत एक ऐसे आदमी की पीड़ा पर आधारित है जो कि अपने परिवार के अच्छे लालन पोषण के खातिर अपने घर से दूर विदेश में नौकरी करने के लिए जाता है, जहां उसे अपने परिवार की बेहद याद आती है, और इसी कॉन्सेप्ट को इस गीत के माध्यम से दर्शाया गया है। इस गीत को उत्तराखंड की स्वर कोकिला मीना राणा और शोभन सिंह पंवार ने अपनी आवाज़ दी है, जिसे संगीत दीवान सिंह पंवार द्वारा दिया गया है। इस गीत का फिल्मांकन एवं संपादन अरुण फरासी ने किया है और निर्देशन का कार्यभार विपिन पंवार और पप्पू रावत द्वारा किया गया है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हॉलीवुड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।